हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हैं चौथ का बरोड़ा के अंदर और यहाँ पर आज दोस्तों मनाया जा रहा है वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी 1971 को ये इसकी शुरुआत हुई थी, करीब आज से 50 साल पहले। तो यहाँ पर आज एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसके अंदर जल में रहने वाले, वो जल के आसपास रहने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनस्पतियों के बारे में बच्चों को यहाँ पर कई प्रकार की जानकारी दी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है और कुछ समय बाद में उस प्रोग्राम की शुरुआत होगी, तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। कई विदेशी पक्षी और देसी पक्षी, प्रवासी और अप्रवासी पक्षी, दोनों प्रकार के पक्षी यहाँ पर अभी मौजूद भी है दोस्तों। करीब 20 प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर बताई जाती है, तो आज इनका भी यहाँ पर निरीक्षण किया जाएगा निरीक्षणकर्ताओं द्वारा, जो अधिकारी पहुँचे हैं यहाँ पर वन विभाग के उनके द्वारा। और यहाँ पर ही शिव मंदिर है जहाँ पर आज प्रदर्शनी लगाई गई है और एक रैली का आयोजन भी कुछ समय पश्चात किया जाएगा। तो यहाँ पर जो गेस्ट हैं वो धीरे धीरे पधार रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये है चौथ का बरोड़ा सरोवर, चौथ माता सरोवर, विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड दिवस। अलग अलग पर्यावरण प्रेमी यहाँ पर पधारे हैं, पथिक लोक सेवा समिति, मिशन बीट प्लास्टिक, बाघ बचाओ जंगल बचाओ संरक्षण समिति, सभी बच्चे हर एक चीज की जानकारी लेने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपने कंट्रोल लगा दिया तो बहुत ज्यादा इसका तो काम दोस्तों आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। हाँ, आर्द्र नम भूमि दिवस। ये जो तालाब होते हैं, नदियाँ होती है, सागर होते हैं, झीलें होती है और जितने भी पानी वाले स्थान होते हैं उस जगह पर ये मतलब मनाया जाता है। वैसे तो हमारे देश में 47 आर्द्र भूमि लैंड है, मतलब नम भूमि जो होती है ना वो जगह है 47। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, हमारे राजस्थान में 2 है, एक तो केवला देव नेशनल पार्क है, दूसरा है सांबर झील, जहाँ पर कई प्रकार के विदेशी पक्षी और देसी पक्षी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे चौथ का बरवाड़ा में ये डे मनाया जा रहा है और यहाँ पर सभी विद्यालयों के बच्चे आए हुए हैं, DFO सर है और वन विभाग से कई कर्मचारी आए हैं, जो हमें प्रत्येक अनेकों पक्षी हैं जो यहाँ पर बरवाड़ा में करीब 20 प्रजातियाँ पक्षियों की, उन सभी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आगे जानकारी अब सतपाल देगा आपको, सुरेश जी को और SDM साहब को माला पहना कर उनका स्वागत करें। सुरेश जी, ये क्षेत्रीय वन अधिकारी है सुरेश जी हमारे यहाँ पे, तो SDM साहब को मैं अवगत करा दूं कि यहाँ पर ये प्रोग्राम करीब 9 बजे से हमने शुरू कर दिया था। हमारे भारत देश के करीब 47 स्तर इसमें अब तक जुड़ चुके हैं, 47, जिसमें सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 1982 को। सबसे पहले चिल्का झील है ओडिशा के अंदर, उसको सबसे पहले इसमें शामिल किया गया था। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है हमारे भारत देश की। और उसके बाद में हमारा राजस्थान का ही एक स्थल है दोस्तों जिसको इसमें शामिल किया गया था, तो वो स्थल है केवला देव नेशनल पार्क, जिसका नाम हमने सुना है। तो ये 38 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो ये दो जगहों को अपने राजस्थान की दोनों जगहों को सबसे पहले शामिल किया था। उसके बाद में करीब अब 47 स्थल इसमें शामिल कर लिए गए हैं, 47 जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और हमारे राजस्थान किसके अलावा एक और जगह जिसको वेटलैंड में शामिल किया गया है वो है हमारे, परंतु ये एक करियर भी बन सकता है। आप जिस एज में बच्चे आए हैं, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, है ना,
ये इतना बड़ा टूरिज्म का भी बिजनेस है कि आप लोग इसको अपना एक करियर भी बना सकते हो, है ना। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग जगह घूमते हैं। मैं कल की बात करूं कि कल एक नया किताब आया है वेडर्स करके, वेडर्स बुक एक आरएस अफसर ने लिखी है, राजस्थान के आरएस अफसर है, इनका नाम है हरकीरत सिंह सांगा। इन्होंने एक 20 साल लगा करके यानी केवल एक पक्षियों के एक ग्रुप विजिट किया। देखिए क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं लेकिन हम उनको प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी सालों से हम लगातार कोशिश कर रहे थे इस चीज़ को लेकर। मेरी छोटी सी क्लास है परियार साइंस क्लास, इसके बच्चे भी आज यहाँ पर है। काफ़ी रुचि धर्मेंद्र जी से उन्होंने आज बातचीत की, बच्चों ने काफ़ी जानकारी ली। और धर्मेंद्र जी को जो मुकेश जी हैं पत्तिक लोक सेवा समिति से, और सबसे अभी रामलाल जी ने बताया, रामलाल जी मेरे टीचर रहे हैं। मैं जब बीएससी कर रहा था तो रामलाल जी ने मुझे पढ़ाया और हमें ऐसी भावना इन्होंने भरी कि हम प्रकृति के प्रति अपने आप को समर्पित कर पाए। तो मैं सभी का, बच्चों का भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप यहाँ पर आए, और सर का भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। हम ये रणथंभौर बाघ परियोजना और पर्यावरण प्रेमी, तो हम सभी कुछ देर पश्चात बर्ड वॉचिंग पे जाएंगे, वहाँ पर भी इनसे हमें कई चीज़ों की जानकारी मिलेगी। हमारे प्रदेश में सांबर जी, केवला देव, घना आदि प्रमुख एवं कई अन्य नम भूमि क्षेत्र है जिनका संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। आइए हम सब इस विश्व नम भूमि दिवस पर इन क्षेत्रों को प्रदूषण से बचाने का संकल्प लें। क्या क्या देखा आपने, कौन कौन से पक्षी देखे? एक एक बताओ। गार्गिनी देखा था हमने, और कूट पक्षी देखा है, और जो नोबल डक जो हमारा ग्रुप है वो भी हमें दिख गया है, और भी पक्षी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर करीब 7 ग्रुप बनाए गए हैं अलग अलग पक्षियों के नाम पे, और सभी बच्चे उन चीजों की जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। जो भी पक्षी यहाँ पर तालाब पर अभी मौजूद है उन सभी पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और करीब यहाँ पर 20 प्रजातियाँ अभी इस समय मौजूद है तालाब पर। तो ये पक्षी बैठे हुए हैं इधर अलग अलग। तो बच्चे यहाँ पर उपस्थित पक्षियों के बारे में दूरबीन से देख करके जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वन विभाग के कर्मचारी उनको जानकारी दे रहे हैं। तो यह है आज का वेटलैंड डे जो चौथ का बरोड़ा में मनाया जा रहा है सवाई माधोपुर का। 2 फरवरी को ये मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो यहाँ पर अलग अलग विद्यालय से बालिकाएँ आई हुई है, बच्चे आए हुए हैं, चौथ का बरोड़ा की जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी के बच्चे करीब करीब यहाँ आए हुए हैं। सर बच्चों को जानकारी देते हुए ऐसे ये दो बैठे हुए ना, दो पक्षी ये नोबिल्टर है, उसमें जो खड़ा हुआ पक्षी है ना वो ईग्रेट है, और उसके साथ में जो काले काले पक्षी है इनको कहते हैं कॉर्मोरेंट। कौन से कॉर्मोरेंट? इंडियन कॉर्मोरेंट। और भी आगे हम लोग ऐसे कार्यक्रम कराएंगे और तुम लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। और आगे चल कर के जो है पर्यावरण के सेना में तुम लोगों को सम्मिलित होना है, किसी भी पोस्ट में जाओ, लेकिन जो ड्यूटी है वो पर्यावरण सेना के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।